ने कहा था, खुश हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हारे खिलाफ बुरी बात कहें। हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा आज के समय में मसीहों को सताया जा रहा है। किसी घर में भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके घर वाले यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है। अगर किसी घर में पत्नी यीशु पर विश्वास करती है और उसका पति यीशु पर विश्वास नहीं करता है तो उसे पति अपनी पत्नी को मारता है कि तू क्यों यीशु का नाम लेती है, तू क्यों चर्च जाती है, ऐसे करके उन्हें सताया जाता है। अगर किसी घर में भाई यीशु पर विश्वास करता है और उसके घर वाले यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, घर वाले उसको अलग कर देते हैं कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे करके सताया जा रहा है। हे मेरे प्रियो, आज मसीहों को सताया जा रहा है, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, पास्टरों को मारा जा रहा है, विश्वासियों को सताया जा रहा है, उन्हें प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे करके उन्हें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है। जब यीशु ने पहली बार अपने प्रेरितों को राज्य स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने को भेजा तो उसने आगाह किया कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। यीशु ने कहा था, मेरे नाम के कारण लोग सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। मत्ती की पुस्तक 10:22 में लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु ने अपनी व्यवस्था में पहले ही से बता दिया था कि मेरे नाम के कारण सब लोग क्या करेंगे, सब लोग क्या घर वाले क्या बाहर वाले सभी लोग तुमसे वैर करेंगे, नफरत करेंगे। मगर सावधान, यीशु ने आगे क्या कहा था, जो मनुष्य अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे भाइयों और बहनों, किसी के डराने धमकाने और सताने के कारण यीशु को मत छोड़ना, हमें अंत तक धीरज धरना है जब तक यीशु मसीह हमें लेने नहीं आता है रेप्चर में। अभी थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सह लो, यीशु के खातिर परमेश्वर को एक नया जीवन देगा, अमर जीवन देगा जो कभी नाश नहीं होता है। मत्ती की पुस्तक 5:10 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो आप जो धर्म के कारण दुख उठाते हो, भला काम करके और धीरज धरते हो क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, यीशु के लिए थोड़ा बहुत दुख तकलीफ से लो, परमेश्वर को स्वर्ग का जीवन देगा, अमर जीवन देगा जो कभी नाश नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ अप के लिए, और वह यानी यीशु मसीह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली की बातें जाती रहेंगी, नए आकाश नए यरूशलेम में जब धर्मी लोग वास करेंगे। अभी आपको दुख तकलीफ झेल रहे हैं, जब स्वर्ग में नया आकाश और नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आएगा तब वहाँ कोई शोक विलाप ना दुख न तकलीफ ना मृत्यु रहेगी, परमेश्वर सबके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। आगे 8 वचन में क्या लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और टोनों और मूर्तिपुंजकों और हत्यारों और व्यभिचारियों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। आप सभी को सब कुछ बताया जाएगा इस चैनल पर, जैसे 7 मोहरों का खोला जाना, 7 तुरहियां परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे और 1000 वर्ष का राज्य कैसा होगा, शैतान का विनाश कब होगा, शैतान कब से कब छोड़ा जाएगा, नया आकाश नई यरूशलेम नया पृथ्वी क्या है, यीशु का पुनरागमन क्या होगा, ये सारी बातें आप सभी लोगों को बताई जाएंगे। 5:6 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, तुम्हारे भाई जो तुमसे वैर करते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमसे अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़े। परमेश्वर ने साफ कहा है, मेरे नाम के कारण तुम्हारे भाई तुमसे वैर रखते हैं और मेरे कारण तुम्हें अपने घर से अलग कर देते हैं। यहोवा की महिमा करो, जय जयकार करो, किसी मनुष्य से मत डरो क्योंकि उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को नरक में डालने का अधिकार दिया गया है। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए गिड़गिड़ाते चले जाएंगे। पर तू इन सब बातों से जो तूने सीखी है और प्रतीति की है यह जानकर मजबूत बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा था जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जो लोग आज मसीही लोगों को सता रहे हैं उन्हें परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में लहू ही पिलाएगा, बहुत तड़पाएगा। परमेश्वर
इस पृथ्वी पर 7 साल, क्योंकि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो पहले तो परमेश्वर आपको 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा और फिर उसके बाद उसी आधार पर परमेश्वर आपको नर्क में फेंक देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा? कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए, आपको वहाँ से कोई निकालने नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जी बैठेगी। यीशु ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देखकर अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, उस व्यक्ति को नहीं चुना है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय आ पहुंचा है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु साफ कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तब वही लिस्ट खोलकर आपको दिखाया जाएगा। तब वहाँ कोई क्षमा नहीं होगी, कि वहाँ केवल न्याय किया जाएगा, और उसी न्याय के आधार पर आपको नर्क में डालेगा। स्वर्गदूत घसीट कर आपको नर्क में फेंक देंगे। इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर। आज लोग यीशु मसीह को खिलौना बना कर रख दिया कि यीशु ही है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। तब आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा, तब आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे। यीशु ने कहा था, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है, एक दिन परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। इतनी भयानक झील होगी, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज सारा का सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से नीचे लात मार कर नीचे फेंक दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे गिरा दिया था। आज वही शैतान हर स्थानों पर अपनी जगह बनाकर बैठ गया है, जैसा लिखा है यशायाह की पुस्तक में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जात को हरा देता था, अब तू कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है? परमेश्वर ने शैतान को एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में रचा था। परमेश्वर ने उसे इतना शक्तिशाली और सुंदर बनाया था कि उसे धीरे धीरे घमंड आने लगा। परमेश्वर ने उसे करूब के रूप में रचा था। वह अपनी सुंदरता के कारण और पद के कारण घमंड से भर गया, और वह परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। मगर परमेश्वर जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। वह परमेश्वर का सिंहासन छीनना चाहता था, मगर वह परमेश्वर है, और उसे और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने पृथ्वी पर से फेंक दिया था पृथ्वी पर। और वही सेनाएं आज दुष्ट आत्माएं बन गई हैं, और उस शैतान को गिरने से पहले एक नाम दिया गया था, और उसका नाम लूसीफर है, और उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, जिसे प्रकाशित वाक्य 20:14-15 वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, अगर आप इसी तरह पाप करते जा रहे हैं, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और सांसारिक जीवन बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, तो उसे स्वर्गदूत उठाकर आग की झील में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे, बड़े बड़े कीड़े होंगे। फिर उसे वहां से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए। इसलिए बाइबल पढ़ो, यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत पढ़ो। अगर यहाँ पर कोई रह जाएगा तो उसका क्या हाल होगा बताता हूँ। गलती से भी यहाँ मत रह जाना। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप के दिन में उस 7 साल में 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उस 7 स्वर्गदूत पर यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। प्रकाशित वाक्य 16:4-8 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। जिन नल से पानी निकालते हैं उस नल से खून निकलेगा। नदियों में, झीलों में, तालाबों में चारों ओर लहू मिलेगा। पानी की जगह आपको खून पीना पड़ेगा। पानी की मारे आपकी जी बैठेगी, इतना हाहाकार मचेगा इस पृथ्वी पर। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था और जो न्यायी है, तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था
और तुमने उन्हें लहू पिलाया है क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आज मसीहों को सताया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, लहू बहाया जा रहा है, पुलिस वाले प्रार्थना करने नहीं देते हैं, सबको लहू पीना पड़ेगा, खून का बदला खून। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। मसीह विरोधी के दिन में इस सूरज को परमेश्वर आग का गोला बना देगा, इतनी हार्ड तपन दोषनी फेंकेगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलसेंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी और मौत मांगोगे मौत भी नहीं आएगी, इतना तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा तब उसको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हाल होगा, बचा लो अपने आप को नर्क जाने से।